वैक्सीन की कमी पर। इस बीच राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला सामने आया है। वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है, ये उत्सव नहीं है, ये कहा है राहुल गांधी ने। देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है, ये सवाल उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से। केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे, सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। और दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से टीका उत्सव मनाने की बात की गई थी और इसका मकसद यह था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन में शामिल हो। अब इसको लेकर राहुल गांधी ने हमला बोला है, कहा है कि वैक्सीन की कमी गंभीर समस्या है, यह कोई उत्सव नहीं है। हमारे साथ कुमार कुंदन मौजूद हैं। कुमार, और लगातार हम देख रहे हैं केंद्र और कुछ राज्यों के बीच इस बात को लेकर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, वैक्सीन की कमी बताई जा रही है राज्यों की तरफ से और केंद्र सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी है नहीं। देखिए सांच को आज क्या समीर, जैसा कि शिवांगी हमारी सहयोगी मुंबई से दिखा रही थी, कल भी हमारे सहयोगी गाजियाबाद और कुछ जगहों पे गए थे, आज भी मुझे दिल्ली से इनपुट्स आ रहे हैं, निश्चित रूप से वैक्सीन की कुछ जगहों पर कमी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार कुछ खुलकर भी नहीं कह रही है, सिर्फ आंकड़ों का हवाला दे रही है, हिला हवाली पूरा मामला है। डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों नहीं खुल के आते और कहते हैं कि मुंबई में कमी नहीं है, यहाँ कमी नहीं है, वहाँ कमी नहीं है? अगर कमी नहीं है तो लोग क्यों वापस जा रहे हैं? सच यही है कि कुछ जगहों पर वैक्सीन की कमी हो रही है, बजाय इसके सरकार की इस पे सामने आकर बात करे। आप लीपापोती और आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं कि राज्य जो है पहले से वैक्सीन नहीं लगाया, राज्य में जो है वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक नहीं चल। अरे जब ड्राइव चल रहा है वहां क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को वैक्सीन? ये बड़ा सवाल है और ये गंभीर समस्या है, इसमें राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए और सोचनी समझनी चाहिए कि आखिर स्थिति है क्या। देश के कई ऐसे राज्य हैं और कई ऐसे वैक्सीनेटेड सेंटर है जहां से लोग वापस जा रहे हैं। आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, जरूरी नहीं है। मैं अभी लाजपत नगर की बात कर रहा हूँ, हमारे पास फोन आ रहा है कि सर वहां सिर्फ 100 लोगों को यस दिया जा रहा है, कह रहे हैं कि उसके बाद का नंबर बाद में आएगा। ये क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वैक्सीन की कमी है। कल हमारे संवाददाता रजनीश नोएडा और गाजियाबाद के कुछ अस्पतालों का दौरा किए, वहां भी वैक्सीन नहीं है, कह रहे हैं कि मेरठ जोन से 1-2 दिन में आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, 1 या 2 दिन में आ जाएगा, मैं बात से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर 1 दिन की भी डिले क्यों हो रही है? सही बात है, सही बात है। आप पहले क्यों नहीं जागे? पहले वैक्सीन की सप्लाई क्यों नहीं सुनिश्चित की गई? क्योंकि ये अंदेशा तो लगातार जताया जा रहा था। कोई कह रहा था हमारे पास 2 दिन का स्टॉक बचा है, कोई कह रहा था हमारे पास 3 दिन का स्टॉक बचा है। डॉक्टर देशवाल, ये स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या अलार्म बजाने में देरी हुई या फिर वैक्सीन पहुंचाने में देरी हो रही, किस वजह से ये स्थिति है? डॉक्टर शेरवाल, ये आपसे सवाल था। अच्छा, देखो आपने देशवाल जी कहा तो इसलिए मुझे जी जी शेरवाल जी माफ कीजिएगा जी, सॉरी। नहीं देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा है कि वैक्सीन की कमी एज अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन किसी भी स्टेट में अगर है तो मुझे लगता है वो जल्दी ठीक करनी चाहिए। दूसरा, जहां तक बात है अभी जो लोग आ रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है तो ये लोकल जो हमारी साइट्स हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोई लैप्स है तो वो रेक्टिफाई करने चाहिए इमीडिएटली और उनको पहले बताना चाहिए कि आज वैक्सीन इतनी रहेंगी या आप कल आइए। वहाँ पर आने के बाद ये प्रॉब्लम आएगी आएगी तो ये सभी हमारे जो मित्र हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पे हैं तो उनको ये मैनेज करना है पहले से ताकि ये अफरा तफरी का माहौल ना बने। हाँ। और सभी लोगों को टाइमली वैक्सीन लगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।